हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुकू और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद रुकू में। आज हम बनाने जा रहे हैं लापसी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम परफेक्ट मेजरमेंट से लापसी को किस तरह से बनाएं। तो चलिए आज की इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैंने आधा चम्मच घी ऐड किया है और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर ब्रोकन मीट लिया है, दलिया लिया है और इसे मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। गैस की फ्लेम को लो रखें, हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से चलाते हुए इसे रोस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दलिया है इस तरह से कुछ चेंज होने लगा है इसका कलर। हमें इसे इस तरह से ही रोस्ट करना है। इस तरह से रोस्ट करने से ये जल्दी पक जाता है और ये हज़म होने में भी आसानी होती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने तेल ऐड किया है। यहाँ पर मैंने लापसी को तेल और घी दोनों का इस्तेमाल करके बनाया है। आप चाहे तो सिर्फ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल स्पून मैंने घी भी लिया है। घी के गर्म होते ही मैंने यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम इस तरह से चॉप करके लिए हैं। आप चाहे तो इसमें मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 गिलास इतना दलिया लिया था और इसके लिए मैंने 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दलिये के लिए 250 ग्राम गुड़ लिया है। आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें कम गुड़ ऐड करें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून इलायची का पाउडर लिया है और इसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और हमने जो दलिया रोस्ट किया है उसे हम अब इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से चलाते हुए इसे ऐड कर लेना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। सात मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे टोटल 20 मिनट के लिए पकाया है और बीच बीच में ढक्कन हटाकर मैंने इस तरह से इसे चलाया है ताकि ये नीचे से जले ना। हमें जो इसमें पानी दिखाई दे रहा है, पानी के कम होने तक हमें इस तरह से इसे पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। यहाँ
यहाँ पर जो हमारी लापसी का पानी है वो कम हो चुका है, लेकिन जो हमारी लापसी है वो पूरी तरह से नहीं बनी है। इसके लिए हम कढ़ाई के नीचे एक तवा रख लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और गैस की फ्लेम को भी बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हेल्दी और टेस्टी लापसी बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।